सिंह आपका बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद कि आप मेरे साथ यहाँ पे बात कर रहे हैं आपका धन्यवाद। है। पिछला साल जो था आपके लिए इतना exciting था, इतना कुछ हुआ है पिछले साल बहुत में। बहुत कुछ हुआ आप उस एक साल को कैसे समराइज करेंगे ये हमेशा के लिए मेरी जिंदगी के लिए एक माइल साल होगा मेरी दो इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर और बहुत ही स्पेशल फिल्में और बहुत ही स्पेशल कैरेक्टर्स एक ही साल में आना आप ये भी कह सकते हैं मेरी एज ए परफॉर्मर एज एज एन एक्टर एज ए बतौर एक अभिनेता मेरी मेरी वैल्यू बढ़ गई यार और फिर सबसे बड़ी हाईलाइट तो ये है कि मेरी शादी हो गई जिससे मैं प्यार करता हूँ वो मैं अब हम शादी के बंधन में बंध गए और वो जो दौर रहा नवंबर के महीने का वो इतना खूबसूरत रहा इतनी बस पूरे माहौल में बस प्यार ही प्यार था और uh, मेरी ज़िंदगी का शायद ही सबसे सबसे खूबसूरत दौर आपकी नई फिल्म गली बॉय या जर्मनी के uh, कैपिटल बर्लिन में प्रीमियर हो रही है आप कितने एक्साइटेड हैं आप कितने नर्वस हैं आज शाम के लिए आप uh, कभी सोच सकते थे कि ऐसी फिल्म गली बॉय जो रैप और हिप हॉप के बारे में है उसको इतना बड़ा ग्लोबल मंच मिलेगा यहाँ पर um, मैं तो मतलब Um, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड uh, हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ी स्क्रीनिंग होने वाली है कुछ 18 1800 लोग बैठ के एक साथ ये फिल्म देखने वाले हैं पहली बार हमने फिल्म देख ली और हमें बहुत पसंद आई um, मुझे लगता है बहुत ही खूबसूरत फिल्म बनाई है जोया ने um, um, चाहे वो चाहे वो जो जो वर्ल्ड उन्होंने क्रिएट किया है uh, जो दुनिया यू you नो know, फिल्म की जो दुनिया है उसके उसका संगीत जो है uh, जो अभिनय है ये बहुत ही उमदा यू uh, नो you know, किस्म का है लेकिन हाँ मतलब मैं पहली बार आया हूँ बर्लिन और बर्लिन के बारे में इतना सुना है मैंने कि ये यू uh, नो you know, uh, एक क्रिएटिविटी का एक हब है एक म्यूज़िक uh, का एक हब है और जो आवाड गार्ड कल्चर है यहाँ का देर इज़ अ वेरी पैलपेबल लव फॉर सिनेमा एट अ फेस्टिवल लाइक दिस तो आई एम लुकिंग फॉवर्ड टू गोइंग मेरे लिहाज में आपने हिंदुस्तान में मर्दानगी को रीडिफाइन किया है आप डरते नहीं हैं स्कर्ट पहनने से जी आप डरते नहीं हैं अपने इमोशंस दिखाने से यहाँ तक कि जहाँ हमें लगता था कि एक बॉलीवुड हीरो बनने के लिए आपको खुद ही बीस लोगों को मानना पड़ता है <laughs> आप तो सिंगम को बुलाने से भी डरते नहीं हैं ये आपका एक इरादा था ये आपका एक ऑब्जेक्टिव था या ये नेचुरली ये आपकी एक इंडिविजुअलिटी बन रही है क्या हुआ था जब मैंने फिल्मों में एंट्री की पहले दो या ढाई साल या तीन साल के लिए Um, मैं तब भी कन्फॉर्म कर रहा था मैं तब भी um, uh, अपने आप को मोल्ड um, कर रहा था कि मुझे लगा कि यार हिंदी फिल्म का एक उभरते हुए हिंदी फिल्म हीरो uh, कैसा होता है वो कैसे um, उसके क्या ट्रेड्स हैं कैसी बोलचाल है क्या बोलता है क्या करता है क्या पहनता है मैं बहुत ही कंफ्यूज था क्योंकि मैं ए एक किस्म का इंसान बन रहा था जो मैं एक्चुअली था नहीं um, फिर uh, Uh, तेरह के आसपास uh, मेरे पीठ में चोट लग गई और मैं ढाई महीने के लिए घर पे बैठा रहा और मुझे थोड़ा डर लग गया उस वक़्त कि यार मैंने अभी अभी मेरा सपना पूरा हुआ है मैं हिंदी फिल्मों में एक्टर बन गया और अब मेरी मेरे पीठ में प्रॉब्लम आ गई मुझे डांस करना है मुझे फ़ाइट करना है मुझे इतनी सारी चीज़ें करनी है और ये मेरे हाथ से फिसलता हुआ जा रहा है और तब मैंने रियलाइज़ किया कि यार ये मैं नहीं हूँ uh, और वहाँ से शुरुआत हुई कि Um, जो भी चॉइसेस मैं कर रहा था मैं वो उस उस दौर के पास होने के बाद ज़्यादा ऑथेंटिक हो गए जो दिल में आए मैंने बोल दिया जो दिल में आए मैंने कर दिया जो दिल में आए मैंने पहन लिया तो आपके सवाल का जवाब ये है कि, कि जी हाँ ये ये मैं हूँ एंड ये एज़ टाइम पासज़ ये मेरा जो एक्सप्रेशन है वो और भी अनफिल्टर्ड होते जा रहा है और एक uh, एक ऑथेंटिक सेल्फ सामने आ रहा है और मुझे मुझे ऐसा ऐसे बनने में मैं मैं खुश हूँ मेरा आखिरी सवाल यह है कि इस फिल्म के साथ आपने रैपिंग भी पूरी तरह से आपने एक्सपेरिमेंट कर लिया आपने इसके साथ इन्वॉल्व हो गया और आपका अगला चैलेंज क्रिकेट का है जी क्रिकेट का आपको क्या चैलेंज रहा है अब तक ये जो कहानी है कबीर सर ने मुझे फ़ोन किया और मुझे कहा कि एक फिल्म है और यशराज में आकर मुझसे मिले और उन्होंने कहा हम 1983 की वर्ल्ड कप विन पर पिक्चर बनाने मैंने मेरा रिएक्शन था अच्छा फाइनली वो स्टोरी बन रही है क्योंकि 83 यू you नो know, मैं 85 में बॉर्न हूँ 83 स्कूल uh, में भी सबको पता था 83 एक ग्लोरियस चैप्टर था एक uh, एक बहुत बड़ी बात हो गई 83 में हमारे पूरे देश के लिए लेकिन जब उन्होंने मुझे कहानी एक्चुअली बताई मैंने कहा कबीर सर आपको पता है मेरे जनरेशन को ये सब पता ही नहीं एक पूरे uh, जनरेशन को हमें ये कहानी बतानी है और उनमें वो नेशनल प्राइड इंस्टिल करना है और यूके uh, में हमारी शूटिंग होगी और होपफुली आपसे वहाँ हमारी मुलाकात हो गई अगर आप अलाउ करेंगे आ, तो बिल्कुल आप आइए आप जरूर आइएगा थैंक यू